मिताली ने कहा, टीम पूरी तरह मुझ पर निर्भर नहीं, लेकिन बल्लेबाजी को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी। भारतीय महिला वन डे टीम की कप्तान मिताली राज का कहना है कि टीम उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बल्लेबाजी यूनिट को प्रदर्शन करने के लिए एकजुट करूं। टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मतभेदों को अलग रखते हुए मिताली ने कहा कि टीम बेहतर फॉर्म में है, हर खिलाड़ी अपने स्तर पर टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर रही है। भारतीय महिला टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है, उसे वहां मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैच की द्विपक्षीय सीरीज खेलनी है। टीम पूरी तरह संतुलित, मिताली ने कहा, हम सभी अच्छी फॉर्म में हैं। चाहे वह स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या युवा जेमिमा रोड्रिग्स ही क्यों न हो, सभी रन बना रही है। दयालन हिमलता और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के रूप में हमें बहुत अच्छा मध्यक्रम मिला है, इसलिए कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सभी ने किसी न किसी स्तर पर टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। कठिन परिस्थितियों से निपटने में क्रिकेट मददगार रहा। मिताली के मुताबिक क्रिकेट ने उन्हें जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निपटने में मदद की है। उन्होंने बताया कि पूर्व कोच रमेश पोवार और प्रशासकों के समिति के सदस्य नारायण एडुलजी से हुआ विवाद अब अतीत की बात है। उन्होंने कहा, जो हो गया सो हो गया, मैं उसे पीछे छोड़ आई हूँ। क्रिकेट ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया है, फिर चाहे वे शतक बनाया हो या शून्य पर आउट हुए हों, आपको अगली पारी के लिए तैयार रहना है, आपको अगले दिन के लिए तैयार रहना है, हमें हमारी जिम्मेदारी मालूम। उन्होंने कहा, पेशेवर क्रिकेटर्स के तौर पर हर कोई समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का खेल खेलना है। हम सब यहाँ देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि टीम एक इकाई के तौर पर खेले और सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करें।